हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एज पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में शिक्षा का इतिहास। हालांकि इसके पहले मैं आपको आधुनिक भारत में शिक्षा के इतिहास के पूरी कहानी को बताया था, वारन हेस्टिंग्स से लेकर के जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, भारत में शिक्षा के विकास में आपको उनके विवाद, 1813 के अधिनियम में शिक्षा के विकास में 1,00,000 रुपये का प्रावधान, और साथ ही में शिक्षा का द्विमुखी निस्यंदन सिद्धांत, और सबसे महत्वपूर्ण चार्ल्स वुड डिस्पैच तक मैंने पढ़ा दिया था, ठीक ना। तो चलिए ये हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं आधुनिक भारत में शिक्षा के इतिहास में। ये दूसरा मेरा क्लास है ना। दूसरे क्लास में हम चार्ल्स वुड डिस्पैच के बाद जितने भी शिक्षा के विकास से संबंधित अधिनियम आयोग थे, उन आयोगों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। एक एक आयोग को सावधानी से और विस्तार रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आधुनिक भारत में शिक्षा के इतिहास में दूसरा नंबर जो आयोग है वह हंटर आयोग है ना। हंटर आयोग, हंटर आयोग है ना। हंटर आयोग का जो गठन हुआ था वह 1882 में। समझिएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच की अध्यक्षता में 1854 में शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, जिन्होंने विभिन्न सुधारों के आधार पर शिक्षाओं को लागू करने का प्रयास किया था। इसमें क्या किया गया कि 1854 के बाद, 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए है ना, इसमें इस आयोग में 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुए प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए लॉर्ड रिपन ने 1882 में डब्लू डब्लू हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया है ना। एक शिक्षा आयोग का गठन किया। ये डब्लू डब्लू हंटर यानी हंटर आयोग का जो मुख्य उद्देश्य ही था वह ये था कि 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी उन्हीं का मूल्यांकन करना था, और इसी को लेकर के लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किया 1882 में। समझिएगा, लॉर्ड रिपन ने जो हंटर आयोग का गठन किया था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह ये था कि केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार करना था, है ना। जो हंटर आयोग का जो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था केवल कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन करना था, है ना। विश्वविद्यालयों के कार्यों में इनका कोई संबंध नहीं था, विश्वविद्यालयों के कार्यों से इनका कोई संबंध नहीं था। फिर समझिएगा, हंटर आयोग के मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य था वह ये था कि प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में ही प्रगति का मूल्यांकन करना था, है ना। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कितना प्रगति हुई थी, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई थी, इन दोनों क्षेत्रों में हुए शिक्षा के प्रगतियों का मूल्यांकन करना था। हंटर आयोग को विश्वविद्यालय के कार्यों से कोई लेना देना नहीं था या कोई उनका संबंध नहीं था, ठीक ना। वो केवल प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के विकास पर बल देने के लिए आयोग का गठन किया गया था, है ना। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के विकास को लेकर के निम्न सुझाव दिए थे, कुछ सुझाव दिए थे। इनमें जो पहला सुझाव ये था कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा के विकास सुधार एवं विकास पर प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर बल देना चाहिए, ये इनका पहला सुझाव था, है ना।
हंटर आयोग का जो पहला सुझाव था वह यह था कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर बल देना चाहिए, है ना। दूसरा इन्होंने सुझाव दिया कि प्राथमिक पाठशालाओं को नव संस्थापित नगरों एवं बोर्डों के हाथ में दे देना चाहिए, है ना। प्राथमिक पाठशालाओं के नियंत्रण को, है ना, प्राथमिक पाठशालाओं के नियंत्रण को आपको नव संस्थापित नगरों एवं बोर्डों के हाथ में दे देना चाहिए, बोर्डों के हाथ में दे देना चाहिए। इनका दूसरा सुझाव था, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, फिर हम समझाएंगे। इनका पहला जो सुझाव था, हंटर आयोग का जो पहला सुझाव था, ये था कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर बल देना चाहिए, और दूसरा सुझाव था कि प्राथमिक पाठशालाओं के नियंत्रण को नव संस्थापित नगरों एवं बोर्डों के हाथ में दे देना चाहिए। और इनका जो तीसरा सुझाव था वह ये था कि माध्यमिक शिक्षा के दो खंड होना चाहिए, है ना। इन्होंने तीसरा जो सुझाव दिया था वह आपको माध्यमिक शिक्षा के दो खंड होना चाहिए, यह इन्होंने सुझाव दिया था। ये दो खंड कौन कौन होना चाहिए ये हम समझ लीजिए आप लोग, है ना। हंटर ने माध्यमिक शिक्षा के दो खंड होना चाहिए सुझाव दिया था। इसमें पहला था साहित्यिक शिक्षा, है ना। ये जो साहित्यिक शिक्षा था यह विश्वविद्यालय के लिए था, है ना। इन्होंने जो पहला शिक्षा का दिया था वह माध्यमिक शिक्षा को दो खंडों में विभाजित किया था। पहला दिया था साहित्यिक शिक्षा, ये जो साहित्यिक शिक्षा था यह विश्वविद्यालय के लिए होना चाहिए, ये सुझाव दिया था। और दूसरा था आपको व्यवहारिक शिक्षा, समझिएगा व्यवहारिक शिक्षा। इसमें प्रावधान किया था इन्होंने कि विद्यार्थियों को व्यापारिक एवं व्यावसायिक भविष्य निर्माण के लिए, है ना, ये शिक्षा इन्होंने दिया था। कहा था कि माध्यमिक शिक्षा के दो खंड होना चाहिए, पहला जो होना चाहिए वो साहित्यिक शिक्षा होना चाहिए विश्वविद्यालय के लिए, और दूसरा दिया था व्यवहारिक शिक्षा जो विद्यार्थियों को व्यापारिक एवं व्यावसायिक भविष्य के निर्माण के लिए होना चाहिए। तो इन्होंने ये तीन सुझाव दिया था, फिर समझिएगा। पहला सुझाव इनका था कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर बल देना चाहिए। दूसरा सुझाव दिया था कि प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण नव संस्थापित नगरों एवं बोर्डों के हाथों में दे देना चाहिए। और तीसरा सुझाव दिया था कि माध्यमिक शिक्षा के दो खंड होना चाहिए, पहला साहित्यिक होना चाहिए जो विश्वविद्यालय के लिए है, और दूसरा आपको व्यवहारिक शिक्षा होना चाहिए जो विद्यार्थियों को व्यापारिक एवं व्यावसायिक भविष्य निर्माण के लिए होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हंटर ने भारत में स्त्री शिक्षा के पर काफ़ी चिंता व्यक्त किया था, है ना। हंटर ने स्त्री शिक्षा पे जो विकास करना चाहिए वह विकास नहीं हो पाया था, इसलिए उन्होंने इस पे गहरी चिंता की थी, खेद व्यक्त किया था स्त्री शिक्षाओं के विकास पे जितना बल देना चाहिए, क्योंकि चार्ल्स वुड डिस्पैच में स्त्री शिक्षा के विकास पर बल दिया गया था, लेकिन 1854 से लेकर के 1882 के बीच तक स्त्री शिक्षा पर कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किया गया था, इस पर उन्होंने खेद प्रकट किया था। और इन्हीं के सुझाव के आधार पर, हंटर आयोग के सुझाव के आधार पर अगले 20 वर्षों में
प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया गया है ना। हंटर आयोग के सुझाव के आधार पर ही आने वाले जो अगले 20 वर्ष थे, यानी आपको 1902 थॉमस रैले की अध्यक्षता से पहले रैले कमीशन की अध्यक्षता से पहले 20 वर्षों में आपको प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बल विकास पर बल दिया गया। और इन्हीं के प्रयासों से, याद रखिएगा, इन्हीं के प्रयासों से 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय एवं 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, है ना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आज जो इलाहाबाद है वह प्रयाग विश्वविद्यालय है ना, प्रयाग विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो हंटर आयोग के सुझाव पर ही आपको 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय और आपको 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये आपका हंटर आयोग था। अब हम बात करते हैं आपको रैले कमीशन, समझिएगा, रैले कमीशन का जो गठन किया गया था वो 1902 में, समझिएगा, शिक्षा के स्तर में गिरावट को देखते हुए लॉर्ड कर्जन ने 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया था, है ना। इस शिक्षा आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वह आपको विश्वविद्यालय के शिक्षाओं का मूल्यांकन कर उनका सुधार करना था, है ना। सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में जो रैले कमीशन की अध्यक्षता की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था कि विश्वविद्यालयों को शिक्षा में सुधार किया जाए, है ना, विश्वविद्यालय के शिक्षा में सुधार किया जाए और वह आगे निर्णय दिया जाए, है ना। याद रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा के विकास पर रैले कमीशन पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में या इसके विकास पर रैले कमीशन में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, है ना। रैले कमीशन के सुझाव पर ही 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, है ना, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, है ना। आपको रैले कमीशन के सुझाव पर ही 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ और इस अधिनियम में अलग अलग प्रावधान किया गया। विश्वविद्यालय अधिनियम में अलग अलग प्रावधान किया गया। पहला प्रावधान ये किया गया कि विश्वविद्यालय में केवल अध्ययन एवं शोध पर ही ध्यान केंद्रित होना चाहिए, है ना। विश्वविद्यालय में जो काम होना चाहिए केवल अध्ययन होना चाहिए और शोध होना चाहिए, इन्हीं दोनों पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ने कहा था कि विश्वविद्यालयों में केवल अध्ययन का काम होना चाहिए और शोध का काम होना चाहिए, है ना। अध्ययन का काम होना चाहिए और शोध का काम होना चाहिए। दूसरा विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि अशासकीय कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा करना चाहिए, है ना, और कड़ा होना चाहिए। ये
आपको विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधान किया गया था। फिर समझिएगा, विश्वविद्यालय में अध्ययन एवं शोध पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, शासकीय कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा होना चाहिए, है ना। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे, फिर इसमें और आगे बताएंगे, है ना। इसके बाद आपको तीसरा जो प्रावधान किया गया था, तीसरा प्रावधान ये था आपको उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालयों के विकास हेतु, उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालयों के विकास हेतु 5 लाख रुपये की राशि प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष तक स्वीकृत होनी चाहिए, है ना। ये अधिनियम में प्रावधान किया गया था। फिर समझिएगा, उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालयों के विकास हेतु 5 लाख रुपये की राशि प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष तक स्वीकृत होनी चाहिए, है ना। पाँच वर्षों के लिए स्वीकृत होनी चाहिए, ये इसमें प्रावधान किया गया था। और चौथा प्रावधान था कि गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों को क्षेत्रीय सीमाओं के निर्धारण करने का अधिकार होना चाहिए, है ना। क्षेत्रीय सीमाओं का निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए गवर्नर जनरल को। विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय सीमाओं के निर्धारण का अधिकार होना चाहिए, है ना। क्षेत्रीय सीमाओं के निर्धारण का अधिकार होना चाहिए, ये इन्होंने प्रावधान किया था। फिर समझिएगा, है ना, शिक्षा में आ रही गिरावट को ध्यान में रखकर लॉर्ड कर्जन ने सर टॉमस रैली की अध्यक्षता में 1902 में एक शिक्षा आयोग का गठन किया था, जिसे रैले कमीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। इस कमीशन का जो मुख्य उद्देश्य था वह विश्वविद्यालयों के शिक्षा में सुधार था, कि विश्वविद्यालयों के शिक्षा में सुधार किया जाए। इस कमीशन में प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा के विकास पर या इसके सुधार पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, है ना। सर टॉमस रैले के सुझाव के आधार पर ही 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, जिसमें कुछ प्रमुख प्रावधान थे। इसमें पहला प्रावधान ये था कि विश्वविद्यालयों को केवल अध्ययन एवं शोध पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा प्रावधान था कि अशासकीय कॉलेजों पर सरकार का नियंत्रण और कड़ा होना चाहिए। तीसरा प्रावधान था कि उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षा के विकास के लिए 5 लाख रुपये की राशि प्रति वर्ष 5 वर्षों के लिए खर्च करने का प्रावधान किया जाना क्या चाहिए। और चौथा प्रावधान था कि गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय सीमाओं को निर्धारण करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। जब यह विश्वविद्यालय अधिनियम लागू हुए, तब जो राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, है ना। राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध करना शुरू इसलिए किया कि इस अधिनियम से जो भारत के राष्ट्रीय शिक्षा था वह उस पर कुठाराघात किया जा रहा था, है ना, क्योंकि इसमें भारत के उच्च शिक्षा के जितने भी नीति थे वो टोटल केंद्र के या राज्यों के हाथ में, गवर्नर जनरल के हाथों में थी, सरकार के नियंत्रण में थी, जिस पे विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा था। इसीलिए राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया। राष्ट्रवादियों ने कहा कि लॉर्ड कर्जन शिक्षा को गुणवत्ता और दक्षता के नाम पर विश्वविद्यालय को शिक्षा को गुणवत्ता एवं दक्षता के नाम पर इन्होंने
विश्वविद्यालयों शिक्षा विश्वविद्यालय के शिक्षा में सरकारी नियंत्रण को और कड़ा कर दिया है ना सर। ये राष्ट्रवादियों का आरोप था कि जो लॉर्ड कर्जन है ये विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता और आपको दक्षता के नाम पर सरकार का नियंत्रण और बढ़ा दिया है, जो इस तरह एक तरह से देखा जाए तो आपको शिक्षा का आपको गला घोटना हुआ। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने इस अधिनियम को यानी 1904 के अधिनियम को कहा था कि यह आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पीछे ढकेलने वाला यह अधिनियम है ना जी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1904 के अधिनियम को कहा था कि यह अधिनियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पीछे ढकेलने वाला यह नीति है। तो ये आपका था रेले कमीशन। अब हम बात करते हैं सैंडलर आयोग, समझिएगा सैंडलर आयोग का जो गठन किया गया था वह 1917 में, समझिएगा। तत्कालीन जो वायसराय थे वह चेम्सफोर्ड। इन्होंने आपको 1917 में डॉक्टर माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में डॉक्टर माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया था, है ना, एक शिक्षा आयोग का गठन किया था जिसका मुख्य उद्देश्य कोलकाता विश्वविद्यालयों के समस्याओं का समाधान करना था, है ना। चार्ल्स लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1917 में डॉक्टर माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया था जिसका मुख्य उद्देश्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय के समस्याओं का समाधान किया जाए और समस्याओं का समाधान करने के बाद शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाए। हालांकि माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में जो सैंडलर आयोग का गठन किया गया था वह केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के संदर्भ में नहीं था बल्कि भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालय के संदर्भ में व्यवस्था करनी थी, है ना। इसके साथ साथ माइकल सैंडलर आयोग ने शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षाओं में सुधार करने का प्रयास किया था, है ना। प्राथमिक शिक्षाओं से लेकर विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षाओं की व्यवस्थाओं में सुधार करने का उन्होंने प्रयास किया था और सुधार करने के बाद इन्होंने सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षाओं को कैसे सुधारा जाए। इसके लिए इन्होंने पहला जो सुझाव दिया था ये कहा था कि विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधारने से पहले विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधार के लिए सबसे पहले माध्यमिक स्तर के शिक्षा व्यवस्था को ऊंच करना होगा। माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा। इन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को तभी सुधारा जा सकता है, इनके स्तर को तभी सुधारा जा सकता है जबकि माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था के स्तर को बढ़ाया जाए। जब तक माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के स्तर को नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता, है ना। ये इन्होंने प्रावधान किया था। दूसरा इन्होंने सुझाव दिया था कि स्कूली शिक्षा जो होनी चाहिए वह 12 वर्ष का होना चाहिए, है ना, 12 वर्ष का होना चाहिए, है ना। इन्होंने कहा था कि जो हाई स्कूल का बच्चा है, जो विद्यार्थी है, वह हाई स्कूल के पश्चात नहीं बल्कि इंटरमीडिएट विद्यार्थियों को, इसमें कहा था कि विद्यार्थियों को हाई स्कूल के बाद नहीं बल्कि इंटरमीडिएट के बाद त्रिस्तरीय विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहिए, है ना। उन्होंने कहा था कि विद्यार्थियों को हाई स्कूल के बाद नहीं बल्कि इंटरमीडिएट के बाद
इंटरमीडिएट के बाद स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला लेनी चाहिए, ठीक ना। ये प्रावधान किया गया है। फिर समझिएगा, स्कूली शिक्षा 12 वर्ष का होना चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों को हाई स्कूल के बाद हाई स्कूल के बाद नहीं बल्कि इंटरमीडिएट के बाद त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहिए। ये दूसरा प्रावधान था। तीसरा जो प्रावधान था वह ये था कि विश्वविद्यालय का नियम कठोर नहीं होना चाहिए, है ना। विश्वविद्यालय का नियम कठोर नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब है कि उनके प्रवेश परीक्षा हुआ, उनके शिक्षा व्यवस्था हुआ, ये ज़्यादा कठोर नहीं होना चाहिए, ये इसमें प्रावधान किया गया। फिर समझिएगा, सेंडलर आयोग का गठन 1917 में चार्ल्स चेम्सफोर्ड ने किया था, है ना। और ये जो था कोलकाता विश्वविद्यालय के सुधार से संबंधित था, लेकिन आपको प्राथमिक विद्यालय से लेकर के आपको विश्वविद्यालय प्राथमिक शिक्षा से लेकर आपको विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के लिए इसमें प्रावधान सुझाव के लिए प्रावधान किया गया था, है ना। और ये जान लीजिएगा, यह एकमात्र ऐसा आयोग है जिसमें दो भारतीय भी शामिल थे, पहला आशुतोष मुखर्जी और दूसरा डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। एकमात्र ये शिक्षा आयोग था जिसमें दो भारतीय भी शामिल थे, आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। और इन्होंने सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधार के लिए आपको माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना होगा, ठीक ना, तभी जाकर विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार हो सकता है। दूसरा कहा था कि स्कूली शिक्षा 12 वर्ष का होना चाहिए और विद्यार्थियों को हाई स्कूल के बाद नहीं बल्कि इंटरमीडिएट के बाद त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला लेनी चाहिए। और तीसरा जो सुझाव था ये था कि विश्वविद्यालय का जो नियम है वह कठोर नहीं होना चाहिए, ये इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं, आपको समझिएगा, इसी में सेंडलर आयोग के सुझाव के बाद ही सेंडलर आयोग के सुझाव के बाद ही 1916 से लेकर 1921 के बीच में आपको 7 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, है ना। सेंडलर आयोग के सुझाव के बाद, इसके रिपोर्ट के बाद भारत में आपको 1916 से लेकर के 1921 के बीच में 7 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, 7 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये विश्वविद्यालय कौन कौन है ये ध्यान दीजिएगा, है ना। पहला है मैसूर विश्वविद्यालय, दूसरा है आपको अलीगढ़ विश्वविद्यालय, है ना। तीसरा है ढाका विश्वविद्यालय, है ना। चौथा है आपको पटना विश्वविद्यालय, है ना। पांचवा है बनारस विश्वविद्यालय, छठा है लखनऊ विश्वविद्यालय, और सातवां है उस्मानिया विश्वविद्यालय। तो ये आपको सेंडलर आयोग के सुझाव के बाद भारत में 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई 1916 से लेकर के 1921 के बीच में, है ना, जिसमें पहला मैसूर विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, ढाका विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय और उस्मानिया विश्वविद्यालय, ठीक ना। तो ये हमारा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास का दूसरा पाठ है जिसमें आपको हंटर आयोग, रैले आयोग और सेंडलर आयोग को बताया। नेक्स्ट हम जो क्लास लेकर आएंगे उसमें आपको हार्टोग समिति, सर्जेंट समिति और राधाकृष्ण आयोग के बारे हम पूरा बताएंगे, ठीक ना। तब तक रहन देते इतना ही। इसको पढ़ने से पहले जो मेरा पहला क्लास है भारत में आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास का जो पहला क्लास है उसको देख करके उसके बाद इसको जब आप देखिएगा तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक ना। तो रहन देते इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।